बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया। आलू की भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। ये मैंने दो आलू मध्यम आकार के उबाल कर छील लिया है। एक बड़े चम्मच हमें चाहिए बेसन, आधा चम्मच हमें चाहिए चावल का आटा, 1 टीस्पून हमें चाहिए चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 हरी मिर्च बारीक पीस कर, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, तलने के लिए तेल। अब हमें करना क्या है आपको बताएं। पहले हम आलू को छील लिए और उसे कद्दूकस लेकर इस तरह से हमको कद्दूकस कर लेना है आलू को। जब तक हम आलू कद्दूकस करेंगे और मसाले मिलाएंगे, तो एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है। यदि आपको सरसों का तेल पसंद हो तो आप रिफाइंड ऑयल या जो तेल आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने देखिए इस तरह से दो आलू को कद्दूकस कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए इस चम्मच के नाप से मैं डाल रही हूँ, पूरा 1 बड़े चम्मच भरकर बेसन है और चौथाई चम्मच आपका चावल का आटा है, 1 टीस्पून ये अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून हमने इसमें लिखा है चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यदि आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नमक हमें डालना है, मैंने 1 टीस्पून डाला है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। अदरक और ये हरी मिर्ची सबको हम एक साथ डालकर अच्छी तरह चम्मच से इस तरह मिला लेंगे। देखिए यदि इसको चम्मच से मिलाने पे ये हमको थोड़ा सा गाढ़ा सा लग रहा है, गाढ़ा क्या मतलब टाइट टाइट सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा पानी डाल के पतला करेंगे। देखिए इसको मिलाने पे ये थोड़ा हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको पतला किया है। कितनी अच्छी तरह ये मिल गया है। ये जिस कद्दूकस से हमने आलू कसा था उसी में अब इसको हम 1 चम्मच ऐसे लेंगे। ये देखें 1 चम्मच के बीच में डाल, ये ऐसा कर लिया। अब तेल को बहुत तेज गरम कर लेना है, हमको देखना है तेल तेज गरम है कि नहीं। थोड़ा सा हम ये मिश्रण डालकर देखेंगे, देखिए तेल तेज गरम हो गया है। अब इसे हम हाथ से इस तरह से ऐसे करके कद्दूकस, जब हम कद्दूकस करते हैं ऐसे सिंपल धीरे धीरे हमको करके ऐसे इसको इसे हम तेज आंच में ही तलेंगे। धीमी आंच तलने में इसके अंदर तेल तेल हो जाता है। इसको तलने में कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए 2 मिनट हो गया है और ये तो आलू का तेल तल कर ब्राउन हो गया है। अब गैस को बंद करके तो हम नीचे कोई भी बर्तन रख देंगे या कटोरा, और तलने में इस तरह से पहले कढ़ाई के ऊपर करके निकालेंगे, फिर इसको कटोरे के ऊपर रख देंगे ताकि इसका अतिरिक्त तेल निकल जाए। देखिए ऐसे करने से इसका तेल बिल्कुल निकल गया और ये बिल्कुल सूखा हो गया। इसमें देखिए मेरे हाथ में जरा भी तेल नहीं आ रहा है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। आलू की भुजिया बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए,
और मुझे बताइए कैसा लगा। आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।